आप सबको एक बात बताता हूं, हमारा शरीर का रचना ऐसे हुआ है वो सब नॉर्मलिटी में रहना है, लेकिन क्रोधी व्यक्ति का हार्ट बीट कैसा होता है वो बता देता हूँ। देखो, हमारा शरीर के अंदर जो ब्लड होता है ना, खून, जो फीमेल के लिए यानी महिलाओं के लिए महिला के लिए कितना ब्लड होता है शरीर में? 4.5 लीटर ब्लड। और बाय के लिए यानी मेल के लिए 5 लीटर ब्लड। कुल हमारा हार्ट क्या करता है, हर रोज 1 लाख बार क्या करता है, लब दब लब दब लब दब करता है। और ये पंपिंग का कितना समय चलता है 24 घंटे में, कितना ब्लड का पंप होता है, 10,000 लीटर्स है ना। ये शरीर में जो ब्लड है वो 10,000 लीटर के रूप में पंपिंग होता है। जब व्यक्ति क्रोध करता है, तब क्या हो जाता है, बहुत सूक्ष्म बात देखो, हमारे अंदर ब्रेन से एक बैड हार्मोन निकलता है, एक बुरा ग्रंथि निकलता है। वो ग्रंथि निकल के क्या होता है, ये ब्लड में मिक्स हो जाता है। ये ब्लड में मिक्स हो करके शरीर के बहुत अंगों को वो ब्लड चले जाता है। तब क्या होता है, वैरायटी प्रकार का बीमारियां आने का संभावना हो जाता है। नेचर से ब्लड प्रेशर आता है, डायबिटीज आता है, हार्ट ब्लॉकेजेस हो जाता है, किडनी डैमेज हो जाता है, लिवर साइरासिस हो जाता है, इस सब भी किसी को माइग्रेन हेडेक आ जाता है, किसी को अल्सर आ जाता है, इस सब भी इसी का कारण से होता है। क्रोध में जो ग्रंथि निकलता है, हार्मोन रिलीज होता है, वो पूरा ब्लड में मिक्स होकर ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। हमारा हार्ट 1 मिनट 1 मिनट के लिए 72 टाइम्स लबडब करना अच्छी बात है, 72 टाइम्स। लेकिन जब व्यक्ति क्रोध हो जाता है 130 टाइम्स 130 टाइम्स उसका लबडब हो जाता है, रेट विल इंक्रीज। तो हार्ट को क्या होता है, छुट्टी नहीं मिलता, लीव नहीं मिलता, रेस्ट नहीं मिलता है हार्ट को, अंदर हमारा हार्ट को रेस्ट नहीं मिलता है। 72 टाइम्स जो काम करने के लिए नॉर्मलिटी बोलता है, 130 टाइम्स वो लगभग किया तो उसका जो रेस्ट मिलना था अपने डबल काम दे दिया। किसी व्यक्ति को 8 घंटा काम करने के लिए है, आपने उसको 14 घंटा 16 घंटा 17 घंटा 18 घंटा 20 घंटा काम कराएंगे तो क्या करेगा, ये व्यक्ति के काम को डबलिंग किया तो उसका एफिशिएंसी क्या होता है, उसका समर्थता क्या होता है, उसका एनर्जी क्या होता है, वीक होता है, नहीं होता है, होता है ना। जब व्यक्ति क्रोध में आ जाता है, बुद्धि विवेक को खो जाता है, बुद्धि नेगेटिव हो जाता है, तो हार्मोन्स बॉडी में रिलीज हो करके हमारा शरीर पर दुष्परिणाम पड़ता है। क्या परिणाम पड़ता है इसका नतीजा, इसका रिजल्ट में हमको क्या होता है इसका रिजल्ट में बीमारी। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को एक बहुत सुंदर बात कहा, जब भी आपके मन में क्रोध आ जाता है, जब भी आपके दिल में कुछ ना कुछ एंगर का रिजल्ट यानी
वो जो एंगर का एलिमेंट होता है, बस बस एक मिनट सभी ध्यान से सुनो, एक मिनट आंखें बंद करके मीठा बाबा मेरा बाबा प्यारा बाबा, एक मिनट किया तो भी वो जो हार्ट का जो स्पीड है 130 टाइम्स जो करता है फिर नॉर्मल में आ जाए, फिर नॉर्मल। इसलिए बाबा मुरली में कहते हैं योग से आयु बढ़ता है, सुना है योग से क्या बढ़ता है? आयु। आयु कैसे बढ़ता है? भगवान ने हमको बहुत आसानी से हमारा हमारा मन का स्टेज को चेंज करके हमको पावरफुल